ओके, एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है हमारा, यह है क्वेश्चन नंबर 5, यह उसका डायग्राम है। यह एक्सप्लेन करने से पहले एंगल बाइसेक्टर होता क्या है वो बेसिक देखते हैं जरा। ओके, एंगल बाइसेक्टर, ये तुम्हें ये सब लिखने से पहले तुम्हें एंगल बाइसेक्टर का बेसिक लिखना है पहले। ओके, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, देखो एक एंगल है पी क्यू आर, एक एंगल है पी क्यू आर, और ये एंगल का बाइसेक्टर है क्यू एक्स। ये एंगल का बाइसेक्टर कौन है, क्यू एक्स। तो मैं लिखता हूं क्यू एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। देखो बाइसेक्टर मतलब क्या, देखो एंगल को तोड़ने वाला, मतलब एंगल को डिवाइड करने वाला। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, बाइसेक्टर का मीनिंग है एंगल को इक्वल पार्ट में तोड़ने वाला। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, देखो एंगल बाइसेक्टर, ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ने वाला। ओके, तो ये हुआ बाइसेक्टर। क्यू एक्स क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये बाइसेक्टर ने क्या किया, ये बाइसेक्टर ने क्या किया, एंगल पी क्यू आर को बाइसेक्ट किया, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट हो गए, देखो ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ये दोनों भी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल पी क्यू एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू आर, एंगल एक्स क्यू आर। समझे, एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट समझा क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट क्या होता है। देखो अगर किसी एंगल को बाइसेक्टर है, अगर किसी एंगल को बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर क्या काम करेगा, बाइसेक्टर एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। समझे, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो एंगल पी क्यू आर ये तुम्हारा एंगल है, ओके, पी क्यू आर ये तुम्हारा एंगल है। ये एंगल का बाइसेक्टर कौन है, ये क्यू एक्स, ये क्यू एक्स क्या बना, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर क्या करेगा, पूरे एंगल को, मतलब पी क्यू आर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां पे दो इक्वल पार्ट कौन से बने, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, सही है। तो ये दोनों भी पार्ट क्या होंगे, इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए मैंने लिखा पी क्यू एक्स इक्वल टू एक्स क्यू आर। ये एंगल कौन सा एंगल है, पी क्यू एक्स, और ये एंगल कौन सा एंगल है, एक्स क्यू आर। ये दोनों भी एंगल क्या होंगे, इक्वल। समझे एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। ओके, इससे रिलेटेड सब है क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट तुम्हें याद रखना, ये लिखना है तुम्हें पहले। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो गिवन, गिवन में क्या दिया है, रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी। देखो ए ई कहां पे, यहां पे ए ई किसको पैरेलल है, बी डी को पैरेलल है, ये गिवन में दिया है पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या दिया है गिवन में, ए एफ, देखो ए एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। देखो ये बड़ा एंगल है ई ए बी, ये एंगल का बाइसेक्टर कौन है, ए एफ। ए एफ क्या हुआ, बाइसेक्टर। तो अभी मैंने सिखाया अगर एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल दो इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड। तो ये ई ए बी एंगल के कितने पार्ट्स होंगे, दो इक्वल पार्ट होंगे, सही है। एंगल ई ए बी के कितने इक्वल पार्ट होंगे, दो। देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल को मैंने नाम दिया एक्स, अगर ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 डिग्री होता तो ये भी 30 डिग्री आएगा, सही है, सही है ना। क्योंकि बाइसेक्टर का काम क्या है, बाइसेक्टर का काम है एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ओके, तो ध्यान दो अच्छे से, ई ए बी का बाइसेक्टर कौन
AF, तो AF क्या करेगा, EAB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैंने उसको नाम दिया X, ये X तो ये भी X, सही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट मैंने वही लिखा है, देखो रे ए एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी, ये गिवन में दिया है, देखो ये वाला स्टेटमेंट, ई ए बी का बाइसेक्टर कौन है, ए एफ लिखा, ये गिवन में लिखा। ओके, तो कौन से दो एंगल इक्वल बन गए, कौन से दो एंगल इक्वल बन गए, एंगल ई ए एफ एंड एफ ए बी, ये दो एंगल क्या बन गए, इक्वल है ना, ई ए एफ एंड एफ ए बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल बन गए, लिखा इक्वल, और दोनों के लिए मैंने वैल्यू क्या रखा, एक्स, लिखा इक्वल टू एक्स डिग्री, इक्वेशन नंबर वन। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अभी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, देखो रे बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीडी, एबीडी किधर है, देखो एंगल एबीडी, ये वाला एंगल एबीडी, देखो ये वाला एंगल एबीडी, इसका बाइसेक्टर कौन है, बीसी, बीसी क्या है, एबीडी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या, बाइसेक्टर क्या करेगा काम, दो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्टर क्या करेगा, दो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल बन गए, क्या बन गए, इक्वल। तो ये दोनों एंगल को मैंने नाम दिया वाई, है ना, अगर ये वाई डिग्री है तो ये भी कितना आएगा, वाई, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर क्या काम करता है, बाइसेक्टर एंगल को, देखो ये बीसी बाइसेक्टर, ये पूरे एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दो इक्वल पार्ट बन गए, ये दोनों को मैंने नाम दिया वाई। तो एंगल कौन सा है, वो डी बी सी इक्वल टू सी बी ए, देखो लिखा रे बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीडी, यहां पे लिखना है गिवन, यहां पे लिखना है गिवन। ओके, तो एंगल डी बी सी एंड सी बी ए, देखो डी बी सी एंड सी बी ए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल ना, वाई, देखो डी बी सी, डी बी सी ये वाला एंगल एंड सी बी ए ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो डी बी सी इक्वल टू सी बी ए, और दोनों का वैल्यू क्या लिया मैंने, वाई, तो लिखा वाई डिग्री, इक्वेशन नंबर टू। चलो यार देखो, ये सेकंड स्टेटमेंट हुआ, थर्ड स्टेटमेंट भी मैंने क्लियर कर लिया यहां तक। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट वाले पे जाऊंगा। सब में दिया क्या है, रे ए ई पैरेलल टू बी डी, है ना, ए ई किसको पैरेलल है, बी डी को, तो मैंने लिखा रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी, ये भी गिवन है, देखो दिया है ना सब में, ये ए ई पैरेलल टू बी डी, और ट्रांसवर्सल क्या बन गया, ए बी, देखो ऐसे ऐसे बन रहा है ए ई, है ना, ए ई, और ये बन गया तुम्हारा यहां पे बी डी, देखो ए ई किसको पैरेलल है, बी डी को, दिया है सब में, दिया है ना, तो गिवन। ओके, तो ए बी क्या बन गया, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, ट्रांसवर्सल, कौन सा शेप, ये कौन सा शेप है, जेड, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल बने, जेड के अंदर कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल, समझे, देखो सब में क्या दिया, ये क्या दिया, ए ई इज पैरेलल टू बी डी, ए ई इज पैरेलल टू बी डी, तो ए बी क्या बन गया, ए बी बन गया ट्रांसवर्सल, तो लिखा ए ए ई पैरेलल टू बी डी, ये गिवन है, दिया है देखो सब में, तो ए बी क्या बन गया, ट्रांसवर्सल, ये शेप कौन सा है, जेड। ओके, तो अभी मैंने तुम लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में सिखाया था, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। वापस एक बात देखते हैं, देखो अगर दो लाइन पैरेलल है, ए ई एंड बी डी, ये पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है मेरे पास, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट।
तो ये कौन से अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट ना, अंदर के बाजू में है, तो एंगल ई ए बी इक्वल टू ए बी डी, सही है, ई ए बी ये एंगल ना, ये एंगल कौन सा एंगल है, ई ए बी, और ये एंगल कौन सा एंगल है, ए बी डी, ये दोनों भी एंगल क्या बन गए, इक्वल, क्यों, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने लिखा ई ए बी इक्वल टू ए बी डी, लिखा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सही है। अभी ध्यान दो, अभी मेन डायग्राम में आओ, ई ए बी कैसे बनता है, ई ए बी कैसे बनता है, ई ए एफ प्लस एफ ए बी, है ना, ये दो एंगल को मैं ऐड कर दूंगा तो ई ए बी मिलेगा, सही है ना। देखो लॉजिक क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो, ई ए बी कैसे मिलेगा, ये एंगल प्लस ये एंगल करूंगा, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ई ए बी मिलेगा, सही है। तो ई ए बी की जगह मैं नीचे क्या लिख रहा हूं, देखो ई ए बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ई ए एफ प्लस एफ ए बी, देखो लिखा, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, ई ए बी की जगह मैंने लिखा ई ए एफ प्लस एफ ए बी, समझा यहां तक, ओके। अभी ए बी डी कैसे बनता है, ए देखो ए बी डी ये पूरा एंगल कैसे बनता है, कौन से दो एंगल, डी बी सी प्लस सी बी ए, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ए बी डी मिल जाएगा, देखो लिखा डी बी सी प्लस सी बी ए, लिख दिया, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कल बताया था मैंने एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, देखो ये बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, इसमें कितने एंगल है अंदर, दो, अगर मैं ये दोनों को भी ऐड कर दूंगा तो ये बड़ा वाला एंगल मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 है और ये भी 30 है तो ई ए बी कितना, 30 प्लस 30 60, मतलब दोनों को क्या किया तुम लोगों ने, ऐड, तो बस उसे बोलेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, उसे बोलेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। चलो अभी देखते हैं ई ए एफ का वैल्यू क्या है, ई ए एफ का वैल्यू है एक्स, तो लिखा एक्स, यहां पे प्लस है तो लिखा प्लस, एफ ए बी का वैल्यू क्या है एक्स, तो लिखा एक्स, इक्वल टू साइन है इक्वल टू, डी बी सी, डी बी सी का वैल्यू क्या है वाई, तो लिखा वाई, प्लस सी बी ए का वैल्यू क्या है वाई, तो लिखा वाई, है ना, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स, वाई प्लस वाई टू वाई, तो अभी ध्यान दो, अभी हमारा आंसर क्या है, देखो 2x is equal to 2y, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाइड है ना, 2 यहां पे क्या x के साथ मल्टीप्लाइड है, ये साइड शिफ्ट हुआ तो डिवाइड होगा, क्या होगा डिवाइड, ये साइड क्या बचा x, 2 1 जा 2, तो बचा क्या x is equal to y, है ना, x and y, लिखा, इसे इक्वेशन नंबर 3 दिया। अभी तुम लोगों को प्रूफ क्या करना है, देखो लाइन ए एफ पैरेलल टू बी सी, ए एफ किधर है, देखो यहां पे, प्रूफ क्या करना है, ये ए एफ लाइन किसको पैरेलल दिखाना है, बी सी को। मैंने तुम लोगों को बेसिक बताया था, 2.2 का बेसिक वीडियो देख लेना, दो लाइन पैरेलल कब होता है, दो लाइन पैरेलल कब होता है, फर्स्ट अगर करस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल। देखो आप, मैंने तुम लोगों को ये सिखाया है 2.2 का बेसिक वीडियो, अगर दो लाइन पैरेलल है तो अगर करस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल। दो लाइन पैरेलल कब होगा, दो लाइन पैरेलल कब होगा, अगर करस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल। अगर इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 है तो दो लाइन पैरेलल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल। देखो प्रूफ क्या करने बोला है, ए एफ पैरेलल टू बी सी, मतलब दो लाइन को मुझे पैरेलल दिखाना है ना, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, अगर करस्पोंडिंग एंगल इक्वल आए तो दो लाइन पैरेलल, अल्टरनेट एंगल इक्वल आए तो दो लाइन पैरेलल। ओके तो मुझे कौन से दो लाइन को पैरेलल बताना है, देखो ये ए एफ एंड बी सी, ये दो लाइन को मुझे पैरेलल बताना है, ये दो लाइन को मुझे पैरेलल बताना है। तो मैंने देखा ये शेप बनता है जेड, है ना, ये शेप बनता है जेड,
अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया, देखो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया तो ये दो लाइन क्या बन जाएगा, पैरेलल। क्यों? ये कौन सा शेप है? जेड। तो ये कौन से एंगल बन गए? इंटीरियर बन गए। ये कौन से एंगल बन गए? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सही है। अगर ये दो एंगल इक्वल आ गए, अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल आ गए, तो ये दो लाइन क्या बन जाएगा? पैरेलल। x इक्वल टू वाई चाहिए, आ गया। देखो x इज इक्वल टू क्या है? y। आ गया ना, x इज इक्वल टू y। ये कितना है x और ये कितना है y, ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल है कि नहीं? ये दोनों भी एंगल इक्वल आ गया ना, x इज इक्वल टू y, x एंड y ये दोनों इक्वल है, इक्वल आ गया। देखो मतलब क्या है, एंगल एफ ए बी इक्वल टू ए बी सी या सी बी ए, एंगल एफ ए बी इक्वल टू सी बी ए आ गया ना। देखो लॉजिक क्या है, क्या प्रूव करना है? ए एफ पैरेलल टू बी सी, ये दो लाइन को मुझे क्या प्रूव करना है? पैरेलल। तो ये दो लाइन पैरेलल कब होंगे? मैंने सिखाया है ये दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, दो लाइन पैरेलल। अल्टरनेट एंगल इक्वल, दो लाइन पैरेलल। यहां पे कौन से एंगल आ रहे हैं? अल्टरनेट। देखो ना कौन सा शेप बन रहा है, ये जेड। ये कौन सा शेप बन रहा है? जेड। अगर अल्टरनेट, अगर ये और ये एंगल दोनों इक्वल आ गए ना, तो ये दो लाइन क्या बन जाएगा? पैरेलल। ये एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? वाई। अगर ये दो एंगल इक्वल आ गए ना, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गया ना, तो ये दो लाइन क्या बन जाएगा? पैरेलल। तो इक्वल आ गया, देखो यहां पे x इज इक्वल टू y आ गया ना, x इज इक्वल टू y, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या बन गया? इक्वल। मतलब एंगल एफ ए बी इक्वल टू सी बी ए आ गया ना। x x कितना, x कौन सा एंगल है? x कौन सा एंगल है? एफ ए बी। y कौन सा एंगल है? सी बी ए, है ना। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ गए, लिखा मैंने। देखो एंगल एफ ए बी इक्वल टू सी बी ए लिखा। कैसे पता चला? देखो इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 से। 1, 2 क्यों लिया? क्योंकि यहां पे x एंड y है ना, यहां पे क्या x एंड y, तो मुझे 1, 2 and 3 रीजन लिखना पड़ेगा, फ्रॉम 1, 2 and 3। अभी देखो ये एंगल और ये एंगल क्या आ गए? इक्वल। तो ये दो लाइन क्या बन गया? पैरेलल। लाइन ए एफ पैरेलल टू बी सी लिख दिया। कौन सी टेस्ट? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। सुनो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तुम लोग जब क्लास में आओगे तो वो एक सिंगल सम है, वो हॉट्स है, वो हॉट्स का सम है क्वेश्चन नंबर 6। वो एक ही सम बचा है चैप्टर में, चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। ओके तो वो सिंगल सम तुम लोग जब क्लास में आओगे तब मैं ले लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा सम है, वो दो पेज का सम है। ओके तो वो ऐसे हाफ ऑफ करके लेने में मजा नहीं आएगा, समझेगा भी नहीं। तो वो जब तुम लोग क्लास में आओगे तब मैं तुम्हें वो लूंगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरी आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों में से एक सम कंफर्म 3 मार्क के लिए पेपर में आने वाला है, यूनिट में कंफर्म है, ये सेमेस्टर में भी आ जाएगा। अगर सम नहीं समझाए तो मुझे पूछो,